नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक सिंपल सा ट्रिक जिससे आप अपने जियो की 4G स्पीड को इनक्रीज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है। इसकी कुछ सेटिंग्स में हमें चेंज करना है और हार्डली 10 सेकंड का ये काम है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए मोबाइल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ एंड कंपेरिजन्स। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, जो जियो की APN सेटिंग्स है उसमें कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज करना है, और इतना करने से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क में जियो 4G और एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको रिस्टोर करके दिखा रहा हूँ डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग के साथ कितनी स्पीड आती है। तो अब मैं चला रहा हूँ स्पीड टेस्ट। तो दोस्तों, ये अब कनेक्ट हो रहा है अंजनी ब्रॉडबैंड सॉल्यूशंस है उसके जो सर्वर है उसके साथ। तो जो मेरी डाउनलोडिंग स्पीड है वो अराउंड 1.5, मुझे लग रहा है 2 को टच करेगी ये। तो जो मेरी डाउनलोडिंग स्पीड है अभी वो है 2.54 Mbps। अपलोडिंग टेस्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट अब पूरा हो चुका है, और जो अपलोडिंग स्पीड है वो है 2.5 Mbps की। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है वो सेटिंग्स जिसे हमें चेंज करना है। तो दोबारा से आप जियो पे जाइए, एक्सेस पॉइंट नेम्स पे टैप करिए, और इसकी जो सेटिंग्स है उसके अंदर आ जाएंगे। अब मुझे करना है एडिट। दोस्तों, जो नेम है वो इंटरनेट है, APN जियो नेट है। तो सर्वर में आपको लिखना है www.google.co.in। तो मैंने गूगल का सर्वर सेट कर दिया है। एक और आपको चेंज करना है नीचे, इसके अलावा और कुछ नहीं चेंज करना है। जो बियरर है अभी वो अनस्पेसिफाइड है, तो इसे आप LTE पे उसे सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही वो सिलेक्ट होता है उसके बाद आप मोर पे टैप करिए नीचे और सेव कर दीजिए इसे। तो अब जो APN है वो उसके पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं। तो अब मैं आपको टेस्ट दोबारा से करके दिखाता हूँ। तो वो पुराने वाले सर्वर के साथ ही कनेक्ट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब डेफिनेटली स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो है 4.62 Mbps की। और जो अपलोडिंग स्पीड आई है वो है 2.83 Mbps की। तो दोस्तों, डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। मैं आपको प्रीवियस रिजल्ट के साथ कंपेयर कर देता हूँ। तो जो पुराना डाउनलोडिंग था वो था 2.54 Mbps, और जो अपलोडिंग थी 2.50, और करंट है 4.62 Mbps, और जो अपलोडिंग है वो है 2.83 Mbps। तो डेफिनेटली बूस्ट हुआ है। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपके काम आएगी और आप इंजॉय करोगे जियो के 4G को बेटर तरीके से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही दबाइए बेल बटन ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।